एक माँ की आंखों से उसका जिगर का टुकड़ा एक मिनट के लिए ओझल हो जाए तो वो विचलित हो उठती है। सोचिए अगर एक माँ से उसका बच्चा सालों साल के लिए जुदा हो जाए तो उस माँ पर क्या गुजरेगी। यमुनानगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। बाड़ी माजरा में रहने वाली एक महिला जो कि जन्म से ही दृष्टिहीन है, पहले ही भगवान की नाइंसाफी के चलते कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही थी, लेकिन उस पर दुखों का पहाड़ उस दिन टूट पड़ा जब उसका 8 साल का बेटा उससे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया। माता पिता दोनों सालों तक अपने लाडले को ढूंढते रहे लेकिन बेटा नहीं मिला। इसी गम में पिता भी चल बसे। वहीं उस लापता हुए बच्चे के मिलने की आस मां ने लगभग खो ही दी थी। परिजनों ने भी मासूम के लौटने की उम्मीद खोकर सिर्फ यादों के सहारे जीवन काटना शुरू कर दिया, लेकिन एक दिन एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। दरअसल बच्चे की मिसिंग का मामला यमुनानगर के बाद पंचकुला क्राइम ब्रांच में पहुंचा। फिर क्राइम ब्रांच के अधिकारी राजेश कुमार ने बच्चे को ढूंढने के प्रयास शुरू किए। मैं 9 साल का था, अब 18, क्योंकि मैं बहुत दूर था, अपने माँ बाप से बिछड़ गया था। अब मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ। तब जाके जब बड़ा आया तो मुझे पता चला मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ। तो फिर मैं रोज माता रानी से पूजा करता था, मुझे माँ बाप से मिला दिए। तो मेरे को फिर जब भी कोई एतवार कोई आता था तो रोज नीचे जाकर पूजा करता था, रोता था, रात को खाना नहीं खाता था, नींद नहीं आती थी माँ बाप के बिना। खरा खरा सपना आ रहा था, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे माँ बाप तरस रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसे ऐसा। तो इसके बाद 10 साल बाद मेरे घर पता चला। मेरे को आधा मालूम था, अब मैं जमुना नगर बस इतना मालूम था। तो फिर एक दिन मैं नाराज हो गया, तो एक दिन ट्रेन में बैठ के चला गया। ये जो बच्चे का जो केस है 2013 से सदर थाना में FIR दर्ज थी और यहाँ पे पुलिस को नहीं मिला, इसकी फाइल बंद कर दी गई, फिर क्राइम ब्रांच में गई, फिर वहाँ भी बंद हो गई है। दोबारा इन्वेस्टिगेशन खोली, अब सितंबर में केस मुझे मिला और मैंने इसको सर्च करना स्टार्ट किया तो वो चीज़ें मैच हो गई। फिर मैंने इनके परिवार को लेकर लखनऊ पहुँचा, फिर वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद परिवार के सपुर्द किया गया है ये बच्चा 10 साल के बाद। और बच्चा जो है यमुनानगर से गोरखपुर में गया था, गोरखपुर में ये 2-3 महीने किसी के साथ चाय वगैरह का काम किया, फिर वहाँ पुलिस ने इसको पकड़ लिया और इसको CCI में रखा। फिर ये 12 साल का हो गया तो इसको देवरिया भेज दिया गया, देवरिया से इसको फिर 18 साल का हो गया, उसके बाद इसको देख रेख जो सेंटर है लखनऊ के अंदर आफ्टर केयर, वहाँ पे बच्चों को सिखलाई करते हैं, तो वहाँ पे इसको शिफ्ट कर दिया गया था और ये वहीं पे रह रहा था। तो आज ये 10 साल के बाद अपने परिवार में जा रहा है। फादरलेस है बच्चा? इसके फादर की जो पिछले साल ही एक्सपायर हुआ है, वो भी बहुत इसको ढूंढने की कोशिश करी पर वो बेचारा आखिर में एक्सपायर हो गया। और फिर इसके जो मम्मी है, भाई है, वो इसके ढूंढने का लगातार प्रयास किया जा रहा था। क्राइम ब्रांच पंचकुला ने बच्चे को लखनऊ से रेस्क्यू किया और उसे यमुनानगर ले आए और मां ने 10 साल बाद जब अपने बेटे को देखा तो कैसा महसूस किया उसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पंजाब के सुचीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।